Hello everyone, welcome to Abhipedia powered by Abhimanyu IAS and the class of UPSC CSAT 2023. Today we will discuss Syllogism. Syllogism important topic है. हर बार exam में आपको दो से तीन questions मिल जाते हैं. अभी दो साल से तो आपको तीन तीन questions Syllogism पे based मिल रहे हैं. That means what important topic है. So we should practice on Syllogism. तो आज की क्लास के अंदर कुछ Syllogism के important questions मैं आप लोगों के साथ में discuss करूँगी. सभी ने मेरे साथ में solve करना है. सभी ने मेरे साथ में क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करनी है और फिर चेक करना है कि कितने क्वेश्चंस आपके करेक्ट हैं. ओके और अगर आपको लगता है कि हाँ Syllogism के अंदर कोई डाउट आ रहा है, इन दैट केस यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन. ओके और अभी जल्दी से अपने फ्रेंड्स के साथ में वीडियो को शेयर कर देंगे. सभी जल्दी से शेयर कर दीजिए, फिर स्टार्ट करते हैं क्लास. हाँ जी, सभी शेयर कर देंगे जल्दी से. Syllogism इम्पोर्टेंट है तो सभी शेयर कर देंगे. कोई भी एग्जाम के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो, इवन आपके फ्रेंड्स किसी दूसरे एग्जाम के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं यूपीएससी के अलावा, तो यूपीएससी में तो इम्पोर्टेंट है ही Syllogism. फॉर अदर एग्जाम्स आल्सो Syllogism इज इम्पोर्टेंट. जल्दी से सभी शेयर कर देंगे तो करें स्टार्ट. देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे. फर्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे. बात आते हैं कि जब Syllogism के क्वेश्चन आते हैं तो उस केस के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट, कि जो आपके पास स्टेटमेंट्स गिवन है, जो भी आपके पास में स्टेटमेंट गिवन है, आपको उनको क्या मान के चलना है, दीज आर ट्रू. दीज आर ट्रू. अब यही इसमें कहा गया था, द क्वेश्चन हैज टू स्टेटमेंट फॉलोड बाई टू कंक्लूजन नंबर वन एंड टू. यू हैव टू टेक द टू गिवन स्टेटमेंट्स टू बी ट्रू. आपने क्या मान के चलना है, दीज स्टेटमेंट्स आर ट्रू. Even if they seems to be at variance from the commonly known facts. अगर आपको लगता है कि नहीं ये तो गलत है, बट फिर भी आपने उसको क्या कंसिडर करना है, दीज आर ट्रू. ओके एंड देन डिसाइड विच ऑफ द गिवन कंक्लूजन लॉजिकली फॉलोज फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट डिसरिगार्डिंग कॉमनली नॉन फैक्ट्स. जो भी कॉमनली नॉन फैक्ट है कह रहा है उनको नहीं कंसिडर करना है, जो गिवन स्टेटमेंट है उनके बेस पे, उन स्टेटमेंट के बेस पे कौन कौन से कंक्लूजन ट्रू हैं, ये आपको बताना है. ओके तो जब भी हम Syllogism पे बेस्ड क्वेश्चन करते हैं, इन दैट केस वेन डायग्राम इज द बेस्ट मेथड टू सॉल्व सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस. तो अभी वेन डायग्राम से ही हम सॉल्व करेंगे. डन. तो अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो क्या कह रहे, कहते हैं ऑल बसेस आर कार. ऑल बसेस आर कार. अब ऑल का जो हम डायग्राम बनाते कैसे बनाते हैं, ये देखिए हमने कहा कि ऑल बसेस जो पार्ट आल के साथ में है, जो वेरिएबल आल के साथ में, उसको आपने अंदर लेना है. कह रहे आल बसेस आर कार. क्या है, कार है. सिंपल सा पॉइंट है. अब आगे देखो क्या गया, कह रहे द सम बसेस आर ट्रक. कुछ बसेस ट्रक है. अब जब भी हम वैन डायग्राम बनाते हैं तो उस केस में आपको फैक्ट पे बेस्ड वैन डायग्राम बनाना है. ठीक है, मिनिमम पॉसिबिलिटी डायग्राम बनाना है. पॉसिबिलिटी का केस नहीं लेना कि भाई ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है. जो गिवन फैक्ट्स है सिर्फ उसी को कंसीडर करना है. तब जैसे यहाँ पे कहा उसने सम बसेस आर ट्रक, कुछ बस ट्रक है, तो बस वाला पार्ट ये है. दैट मीन्स कि इस पार्ट के साथ में मुझे ट्रक का पार्ट कॉमन डिक्लेयर करना है. तो यहाँ पे इसके साथ में हमने इसको कहा ये क्या है, ट्रक है. क्लियर. अब हम आते हैं कंक्लूजन की तरफ. अब कंक्लूजन में कह रहे सम बसेस आर डेफिनेटली नॉट ट्रक. कह रहा है कि कुछ बस फैक्ट है, कह रहा है कि कोई भी ट्रक नहीं है. अब देखिए, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट बस और ट्रक के बीच में, दिस पार्ट इज कॉमन. दैट मीन्स वी से कि ये पार्ट तो डेफिनेटली क्या है, ट्रक है. बट द अदर पार्ट ऑफ बस, ये वाला जो पार्ट है, वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट दिस पार्ट, कि दिस पार्ट इज ट्रक और नॉट. जब हमें पता ही नहीं है इस पार्ट के बारे में, देन हम डेफिनेटली कोई भी कंक्लूजन नहीं कर सकते. ओके अगर यहाँ पे कहते हैं कि यस मे बी पॉसिबिलिटी, इन दैट केस हम कहते हैं यस हो सकता है, बट इन केस ऑफ डेफिनेटली वी विल से वी डोंट नो अबाउट दिस पार्ट, सो दिस इज रॉन्ग. ओके सेकेंड थिंग इज कि अगर आपके पास में जो स्टेटमेंट्स है, ऑल द स्टेटमेंट्स आर पॉजिटिव, इन दैट केस नेगेटिव कंक्लूजन विल बी ऑलवेज रॉन्ग. हमेशा रोंग रहेगा, आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है. ओके अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्या है, कह रहा है एटलीस्ट सम ट्रक्स आर कार. कह रहा है कुछ
ट्रक कार है। अब ट्रक और कार में चेक करो कि क्या कुछ पार्ट हमें कॉमन दिखाई दे रहा है अपने वेन डायग्राम में। एंड हियर यू कैन सी कि जो ये वाला पार्ट है कौन सा, ट्रक और कार के अंदर कौन सा पार्ट, दिस पार्ट, दिस पार्ट इज कॉमन। इफ दिस पार्ट इज कॉमन दैट मीन्स वट, कि कुछ पार्ट जो ट्रक है वो क्या होंगे, कार होंगे। दिस इज करेक्ट। ओके, सो योर आंसर विल बी वट, ओनली कंक्लूजन टू फॉलोज, ओनली कंक्लूजन टू फॉलोज। हाँ जी, क्लियर है सभी को? कोई माइनर सा डाउट, अगर कोई डाउट आता है आपको, इन दैट केस यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको लग रहा है कि हाँ कुछ समझ आया है, देन गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, डन। हाँ जी, नेक्स्ट देखिए क्या है, सम एनिमल्स आर प्लांट, क्या है, सम एनिमल्स आर प्लांट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल मेक द वेन डायग्राम, क्या है सम कह रहा है, ठीक है, तो हम भी लिखेंगे सम एनिमल्स आर प्लांट्स। इफ ऑल द वेरिएबल्स हैव डिफरेंट इनिशियल्स, इन दैट केस यू कैन टेक ओनली द इनिशियल इन योर वेन डायग्राम, जरूरी नहीं है कि पूरे का पूरा लिखना है। ओके, अब दूसरा देखो क्या है, कह रहा है कि ऑल प्लांट्स आर रो। अब प्लांट वाला पार्ट क्या कह रहा है, ऑल, दैट मींस कि प्लांट का पार्ट जो सर्कल है वो अंदर आएगा, किसके, रोक के सर्कल के अंदर। सो हम क्या करेंगे, यहां से प्लांट के पार्ट को रोक के सर्कल के अंदर कर देंगे, दिस इज रोक्स। क्लियर, नाउ कम ऑन द कंक्लूजन। कंक्लूजन यहाँ पे क्या है, ऑल प्लांट्स आर एनिमल। अब जब वो कह रहे कि ऑल प्लांट्स आर एनिमल, तो उस केस में हमने चेक करना है क्या हमारा प्लांट का सर्कल एनिमल के सर्कल के अंदर दिखाई दे रहा है। एंड हियर यू कैन सी भी प्लांट का सर्कल अलग है, एनिमल का सर्कल अलग है, देयर इज सम पार्ट कॉमन बिटवीन दीज टू, बट नॉट द कंप्लीट एनिमल इज इनसाइड प्लांट। सो हम क्या कहेंगे, यहाँ पे ऑल प्लांट्स आर एनिमल क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, क्योंकि प्लांट का सर्कल एनिमल के सर्कल के अंदर नहीं है। ओके, सेकेंड इज एटलीस्ट सम रॉक्स आर एनिमल, करे क्या कुछ एनिमल्स रोक हैं। अब एनिमल और रोक के अंदर हम चेक करते हैं क्या कुछ पार्ट हमें कॉमन दिखाई दे रहे हैं। अब एनिमल और रोक के अंदर आप देखिए ये वाला जो पार्ट है, यस दिस पार्ट इज कॉमन बिटवीन एनिमल एंड रोक, दैट मींस दिस इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, कि कंक्लूजन टू विल फॉलो, कंक्लूजन टू विल फॉलो। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, यस नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपके पास, नो पिन इज क्लिप, नो पिन इज क्लिप मीन्स कि पिन और क्लिप दोनों दूर दूर है, दोनों के बीच में कोई भी रिलेशन गिवन नहीं है। ओके, क्या कह रहा है, नो पिन इज क्लिप, लेट अस से दिस इज क्लिप, दोनों दूर दूर है, हम कह रहे हैं इनके बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है, दोनों के बीच में रिस्ट्रिक्शन है। ओके, ऑल पिन्स आर फैन, ऑल पिन्स आर फैन, दैट मीन्स कि जो पिन का सर्कल है वो किसके अंदर है, फैन के सर्कल के अंदर। पिन के सर्कल को हम किसके अंदर कर देते हैं, फैन के सर्कल के अंदर कर देते हैं, डन। अब हम आते हैं कंक्लूजन की तरफ, अब कंक्लूजन क्या कह रहे हैं, ऑल फैंस आर पिन्स, कह रहे कि सारे के सारे फैन पिन है। अब देखो फैन का जो सर्कल है वो ये है, पिन का सर्कल ये, ऑल फैंस आर पिन का मीनिंग क्या है कि जो फैन का सर्कल हो पिन के सर्कल के अंदर होना चाहिए, है ना। तो अब यहाँ पे अगर ये होता कि सम फैंस आर पिन तो हम तो कह देते, तब तो हम कह देते कि हाँ ये करेक्ट है, बट जब कह रहा है ऑल तो हम क्या कहेंगे, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। ओके, सेकंड देखिए क्या कह रहा है, नो क्लिप इज फैन, नो क्लिप इज फैन, कह रहा कोई भी क्लिप फैन नहीं है। अब देखिए अभी हमारे पास में इस सर्कल से ये जो वेन डायग्राम है ये क्या बता रहा है कि ये वाला जो पार्ट है ना, कौन सा, पिन का, दिस पार्ट इज नॉट क्लिप, ये पार्ट क्लिप नहीं है, बट वी डोंट नो अबाउट दिस पार्ट, ये जो पार्ट है फैन का, है ना, कह रहा नो क्लिप इज फैन, वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट द रिलेशन बिटवीन फैन एंड क्लिप, फैन और क्लिप के रिलेशन के बारे में हमें नहीं पता। देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि हाँ दोनों में कुछ पार्ट में भी कॉमन हो, है ना, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, दैट मीन्स वी आर नॉट श्योर अबाउट दिस। और जब हम श्योर नहीं है उस केस में हम क्या कहेंगे, दिस इज रॉन्ग। हमें इस पार्ट के बारे में पता है कि यस, अगर यही पे होता कि सम सम फैंस आर नॉट क्लिप, अगर यहीं पे अपने पास में होता सम फैंस आर नॉट क्लिप, ध्यान से समझो क्या होता, सम फैंस
आर नॉट क्लिप. इन दिस केस अब हमें पता है कि सम फैंस दैट मीन्स कि ये वाला पार्ट एंड दिस पार्ट इज नॉट क्लिप, देन वी विल से इट इज करेक्ट. बट यहाँ पे क्या कह रहा है, नो क्लिप इज फैन, कोई भी क्लिप फैन नहीं है. दिस इज आस्किंग अबाउट द कंप्लीट पार्ट, है ना, कंप्लीट पार्ट की बात हो रही है. तो कंप्लीट के केस में हम क्या कहेंगे, दिस इज रॉन्ग. ओके, सो हमारे पास में आंसर यहाँ पे क्या रहेगा, आंसर विल बी व्हाट, नीदर वन नोर टू फॉलोस, ना तो पहला फॉलो करेगा ना ही तो सेकंड फॉलो करेगा. ओके, नेक्स्ट देखिए. यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में, सम बॉक्सेस आर टेबल हियर, देयर आर थ्री स्टेटमेंट्स. ठीक है, थ्री स्टेटमेंट्स हैं आपके पास में, डन. क्या कह रहा है, सम बॉक्सेस आर टेबल, कुछ बॉक्सेस टेबल है, सम बॉक्सेस आर टेबल, नो टेबल इज बोर्ड. अब यहाँ पे देखिए, बोर्ड और बॉक्सेस दोनों के इनिशियल सेम है, दैट मीन्स कि आपको पूरा इसको मेंशन करना है. हम देखेंगे सम बॉक्सेस आर टेबल, ओके, नो टेबल इज बोर्ड, कोई भी टेबल बोर्ड नहीं है. सम बोर्ड आर वॉल, सम बोर्ड आर वॉल, ओके, ये गिवन है आपके पास में. अब देखो क्या है, सब कंक्लूजन चेक करते हैं, सम बोर्ड आर बॉक्सेस. अब देखिए, बोर्ड यहां पे है, ठीक है, बॉक्स यहां पे है, दोनों दूर दूर है, वी कांट से एनीथिंग कि बॉक्स बोर्ड है या नहीं है, नहीं पता हमें. अब देखो, ये बॉक्स यहां पे है, ठीक है, बोर्ड यहां पे है, और कोई भी डायरेक्ट आपके पास में, कोई भी डायरेक्ट यहाँ पे आपके पास में कंक्लूड जो स्टेटमेंट है वो है नहीं, है ना, दोनों के बीच में दोनों दूर दूर है. अब उसने क्या कहा, सम बोर्ड आर बॉक्स, कुछ बोर्ड बॉक्स हैं. हम कहेंगे नहीं, हमें नहीं पता. क्या कहेंगे, वी डोंट नो, बिकॉज कोई भी स्टेटमेंट इस तरह की नहीं है. दूसरा क्या कह रहा है, नो बोर्ड इज बॉक्स, कह रहा कोई भी बोर्ड बॉक्स नहीं है. अगेन दोनों दूर दूर है, दोनों दूर दूर है, दैट मीन्स कि यहाँ पे हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, देयर इज ए पॉसिबिलिटी. तो हम ये भी नहीं कह सकते कि कोई भी बोर्ड बॉक्स नहीं है, ठीक है. तो हम क्या कहेंगे, दिस इज अगेन ट्रू. ओके, अब यहाँ पे हमारे माइंड में आ रहा होगा कि हाँ जी आंसर क्या आएगा, नीदर फर्स्ट नोर टू, हम आंसर कर देते हैं कौन सा, फोर्थ, ये वाला. बट यहाँ पे जब भी आपको इस तरह की कोई भी कंक्लूजन मिलता है जिसके अंदर क्या हो रहा है, देखो ध्यान से समझेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम के अंदर. क्या है, देखिए ध्यान से, बोथ द वेरिएबल्स आर सेम, यहां पे क्या है, बोर्ड बॉक्स, बॉक्स बोर्ड, बोथ द वेरिएबल्स आर सेम. ठीक है, वन इज पॉजिटिव, वन इज नेगेटिव. अगर हम इंडिपेंडेंटली देखें तो सिंगल सिंगल कंक्लूजन क्या है, रॉन्ग है. इंडिपेंडेंट कंक्लूजन क्या मिल रहा है आपको, रॉन्ग है. एंड द फोर्थ थिंग इज कॉम्प्लीमेंट्री पेयर, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर कौन सा है, नो एंड सम, देर आर टू कॉम्प्लीमेंट्री पेयर, कि एक के अंदर मुझे क्या मिल रहा है सम, एक कंक्लूजन में मुझे क्या मिल रहा है नो. एंड द सेकेंड कॉम्प्लीमेंट्री पेयर इज व्हाट, ऑल एंड सम नोट. ओके, तो अगर ये चारों कंडीशंस आपकी फॉलो हो रही है, इन दैट केस आपका आंसर क्या होगा, नीदर नोर की बजाय इधर और, नीदर नोर की बजाय क्या लिखेंगे हम, इधर और. मींस व्हाट, सीधी सी बात है भाई, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, हम इनके बारे में कुछ नहीं कह सकते. एंड व्हेन वी कांट से एनीथिंग अबाउट दीज टू, इन दैट केस हम क्या कहेंगे, या तो ये होगा या तो ये होगा, हमें पता ही नहीं है, है ना. तो जब भी बात ऐसी आती है कि हाँ जी या तो ये होगा या तो ये होगा, हमें नहीं पता, तो उस केस में हम आंसर क्या करेंगे, इधर और. सिंपल, आई होप सभी को क्लियर है ये वाला पॉइंट. नेक्स्ट देखते हैं,
यस, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। उससे पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन सभी एस्पिरेंट्स के लिए जो यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। हाँ जी, जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, स्पेशली फॉर दोज कैंडिडेट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर फर्स्ट टाइम, ओके, जिनका सिलेबस कवर नहीं है। तो देखिए, सी सेट इम्पोर्टेंट पार्ट है आपकी स्टडी का, बिकॉज विदाउट क्लियरिंग सी सेट वी कांट मूव अहेड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये देखना है कि क्या हम सी सेट का पेपर इजिली क्वालिफाई कर सकते हैं, क्या हमारा सिलेबस प्रिपेयर है, बिकॉज यूपीएससी है अनप्रिडिक्टेबल पेपर आता है। सो आपका सिलेबस सभी का प्रिपेयर है? अगर नहीं तो इन दैट केस अभी पीडीए आप लोगों के लिए कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स लेके आया है, जिसके अंदर स्पेशली आप लोगों के सिलेबस को डिटेल में कराया गया है विद कंप्लीट फोकस ऑन द रिसेंट पैटर्न ऑफ यूपीएससी। ओके, जैसे पेपर में आजकल क्वेश्चंस आ रहे हैं तो उनको माइंड में रखते हुए ये कोर्स हमने प्रिपेयर किया है। सो जो स्टूडेंट इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहता है, जो भी स्टूडेंट ज्वाइन करना चाहता है, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। 3 डेज फ्री ट्रायल इज ऑल्सो अवेलेबल, आप उसके अंदर चेक कर सकते हो। जैसे आप 3 डेज का फ्री ट्रायल लेते हैं, इन दैट केस यू कैन चेक 10 लेक्चर्स, कोई भी 10 लेक्चर्स आप चेक कर सकते हो, ठीक है। यू विल ऐड इन योर फ्री ट्रायल सेक्शन, एंड उसके बाद में अगर आपको कंटिन्यू करना है यू कैन कंटिन्यू, एंड साथ में ही आपको पूरे का पूरा ब्लू प्रिंट मिल जाता है आपके कोर्स का, कि यहाँ पे हम क्या क्या आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, कैसे है कैसे नहीं है, तो सारे का सारा आप उसके अंदर चेक कर सकते हो। सो डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, जो भी ट्रायल लेना चाहता है वहाँ से आप ट्रायल ले सकते हो। इफ़ यू हैव एनी क्यूरी, अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है रिगार्डिंग दिस कोर्स, रिगार्डिंग एनीथिंग ऑफ योर सी सेट एग्जाम, ओके, इन दैट केस यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट कर सकते हो, ओके। सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे है, देखिए क्या है। सम काइट्स आर बर्ड्स, सम काइट्स आर बर्ड्स, नो काइट इज एन एरोप्लेन, नो काइट इज एन एरोप्लेन, कोई भी काइट एरोप्लेन नहीं है। अब देखिए यहाँ पे कंक्लूजन क्या है, कहता ऑल एरोप्लेन्स आर बर्ड्स। अब देखो एरोप्लेन यहाँ पे है, बर्ड यहाँ पे है, एरोप्लेन और बर्ड दोनों दूर दूर है, ठीक है। अब उस केस में हम क्या कहेंगे, वी डोंट नो, ठीक है ना। ऑल एरोप्लेन्स आर बर्ड, क्या सारे के सारे एरोप्लेन बर्ड्स हो सकते हैं, हमें नहीं पता है ना, नहीं कह सकते ना, क्योंकि एरोप्लेन यहाँ पे है, बर्ड यहाँ पे है, डन। तो ये क्या हो गया आपके पास में, रॉन्ग। जब तक आप डेफिनेट आंसर, हाँ अगर पॉसिबिलिटी की बात होती है इन दैट केस हम कर सकते हैं। अब यहीं पे होता कि ऑल द एरोप्लेन्स आर बर्ड्स इज ए पॉसिबिलिटी, इज ए पॉसिबिलिटी, तो देखो क्या कहते हैं, क्या कह रहे हैं कि एरोप्लेन जो है उनके बर्ड्स होने की पॉसिबिलिटी है, तो हम कह सकते थे यस, अगर हम एरोप्लेन का यहाँ पे सर्कल बना देते हैं देन इन दैट केस ये काइट एरोप्लेन नहीं है, ठीक है, और यहाँ पे हम कह देते हैं कि हाँ जी दिस इज द पॉसिबिलिटी। बट यहाँ पे क्या कह रहे हैं, फैक्ट के अंदर आपसे आंसर किया जा रहा है, और जब हम बात करते हैं फैक्ट की, इन दैट केस हमारे पास में बिल्कुल लॉजिकली वो सेट होना चाहिए इन ऑल द केसेस। सम बर्ड्स आर डेफिनेटली नॉट काइट, क्या कह रहे हैं, सम बर्ड्स आर डेफिनेटली नॉट काइट, कह रहे कि कुछ बर्ड्स काइट नहीं है। अब पहले यहाँ पे क्या कहा उसने, ऑल एरोप्लेन्स आर बर्ड, एरोप्लेन यहाँ पे है, बर्ड यहाँ पे हमने कहा गलत है। दूसरा कह रहा है सम बर्ड्स आर डेफिनेटली नॉट काइट, अब ये बर्ड जो है ये वाला सम बर्ड्स, ठीक है, सम बर्ड्स कह रहा काइट नहीं है। अब हमें पता है कि दीज बर्ड्स आर काइट, ये तो काइट है, बट वी डोंट नो अबाउट दिस पार्ट, है ना, हमें नहीं पता, ना हमें इस पार्ट के बारे में पता, ना हमें इस पार्ट के बारे में पता, दैट मीन्स पार्ट कि हम क्या कहेंगे, क्या कह रहा है, डेफिनेटली काइट नहीं है, हम कहेंगे हमें नहीं पता। सो हम क्या करेंगे, इसको भी रोंग कर देंगे। सो आंसर विल बी नीदर वन नोर कंक्लूजन टू फॉलोज, ना तो आपके पास में फर्स्ट है ना ही सेकेंड, दोनों के दोनों क्या हो गए यहाँ पे, रोंग है, ओके। नेक्स्ट देखिएगा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि ऑल मैटर्स ऑल प्लास्टिक, ऑल प्लास्टिक्स ऑल फाइबर, ऑल मैटर्स आर प्लास्टिक, आर प्लास्टिक,
ऑल प्लास्टिक्स आर फाइबर, ऑल प्लास्टिक्स आर फाइबर. ओके, अब देखो क्या है, एटलीस्ट सम फाइबर्स आर मेटल, कह रहा है कुछ फाइबर मेटल हैं. अब यहाँ पे जब भी इस तरह से केस आता है तो उस केस में सम के सारे केसेस ट्रू होते हैं, सम के सारे केसेस आपको ट्रू मिलेंगे. अब देखो यहाँ पे मेटल और फाइबर के अंदर ये वाला पार्ट तो दोनों में कॉमन है, दैट मीन्स कि हम क्या कहेंगे, दिस इज ट्रू. सम मेटल्स आर नॉट फाइबर, कह रहा है कुछ मेटल्स फाइबर नहीं है. अब देखिए हमारे पास में सारे के सारे पॉजिटिव स्टेटमेंट्स है, तो नेगेटिव कंक्लूजन क्या रहेगा, रॉन्ग रहेगा. बिकॉज जब हम पॉसिबिलिटी डायग्राम बनाते हैं तो उस केस के अंदर आपका जो पॉसिबिलिटी डायग्राम क्या है, ये इस तरह से बन सकता है. ओके, तो ये क्या हो गया आपके पास में, दिस विल बी रॉन्ग. सो आंसर क्या आएगा, फर्स्ट विल बी करेक्ट, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट विल फॉलो. डन, हाँ जी, क्लियर. अब देखिए नेक्स्ट है आपके पास में, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, देखो क्या है, ऑल बाइक्स आर कार, ऑल बाइक्स आर कार, सम कार्स आर ट्रक, सारे के सारे बाइक कार है, सारे के सारे बाइक कार. हाँ जी देखिए क्या है, ऑल बाइक्स आर कार, सम कार्स आर ट्रक. सिंपल वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे पहले, क्या है, ऑल बाइक्स आर कार, सम कार आर ट्रक, सम कार आर ट्रक. ओके, नाउ द क्वेश्चन कंक्लूजन इज सम बाइक आर ट्रक. अब बाइक और ट्रक के अंदर देखो क्या कुछ पार्ट आपको कॉमन दिख रहे हैं. हाँ जी, बाइक और ट्रक के अंदर देखिए क्या कुछ पार्ट आपको कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ पे देखिए कोई भी पार्ट कॉमन नहीं है, नहीं है, दैट मीन्स व्हाट, दिस इज रॉन्ग. दूसरा है सम नो ट्रक इज कार, नो ट्रक इज कार, कोई भी ट्रक कार नहीं है. अब देखो यहाँ पे दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स क्या है, पॉजिटिव है, तो नेगेटिव कंक्लूजन क्या रहेगा आपके पास, रॉन्ग रहेगा. नेगेटिव कंक्लूजन क्या रहेगा, रॉन्ग रहेगा. अब वैसे भी यहाँ पे देखो ट्रक और कार के बीच में ये वाला पार्ट कॉमन है, और ये क्या कह रहा है कि कोई भी नहीं है, तो हम क्या कहेंगे, रॉन्ग है. सो बोथ द कंक्लूजन्स आर रॉन्ग, तो क्या कहेंगे, नीदर कंक्लूजन वन नोर कंक्लूजन टू विल फॉलो, नीदर कंक्लूजन वन नोर कंक्लूजन टू विल फॉलो. डन, नेक्स्ट देखिएगा. हाँ जी, कुछ समझ आ रहा था, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देंगे अपने फ्रेंड्स के साथ में, मैक्सिमम शेयरिंग करनी है सभी ने, मैक्सिमम शेयरिंग चाहिए आप लोगों की साइड से. देखिए क्या है, नेक्स्ट, सम टॉफीज आर इक्लेयर, ऑल इक्लेयर आर डेरी मिल्क, एंड सम डेरी मिल्क आर चोकोबार. तो जल्दी से पहले वेन डायग्राम इसका ड्रॉ करते करें, सम टॉफी आर इक्लेयर, सम टॉफी आर इक्लेयर्स, ऑल इक्लेयर्स आर डेरी मिल्क, ऑल इक्लेयर्स आर डेरी मिल्क, एंड सम डेरी मिल्क आर चोकोबार. ओके, नाउ कम ऑन द कंक्लूजन, कंक्लूजन एट लीस्ट सम इक्लेयर आर डेरी मिल्क, कह रहा कुछ इक्लेयर डेरी मिल्क होगी. अब जो हम यहाँ पे डायग्राम बनाते हैं वो लीस्ट पॉसिबल डायग्राम होता है आपके पास में, कि भी पॉसिबिलिटी नहीं है, दिस इज फैक्ट, दिस इज फैक्ट, है ना. तो अब फैक्ट के अंदर अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि सम इक्लेयर्स आर डेरी मिल्क, तो यहाँ पे आप देखो कि इक्लेयर और डेरी मिल्क के अंदर कुछ पार्ट कॉमन दिख रहा है आपको. हाँ जी, कुछ पार्ट कॉमन दिख रहा है, कोई भी पार्ट कॉमन नहीं है, तो ये क्या हो गया आपके पास में, रॉन्ग हो गया. देखो ना यहाँ पे क्या कह रहा है, सम टॉफी आर इक्लेयर, सम टॉफी आर इक्लेयर, डन. अब उसके बाद कह रहा ऑल इक्लेयर्स आर डेरी मिल्क, ऑल इक्लेयर्स आर डेरी मिल्क, और साथ में उसने कहा सम डेरी मिल्क आर चोकोबार. अब जो रिलेशन गिवन है वो डेरी मिल्क और चोकोबार के बीच में गिवन है, इक्लेयर और चोकोबार के बीच में डिक्लेयर नहीं है. तो यहां पे उसने क्या कहा है, सम इक्लेयर्स आर डेरी मिल्क, बेटा इक्लेयर्स है. हाँ जी, यहां पे देखो क्या है, इक्लेयर्स, सम इक्लेयर्स आर डेरी मिल्क, ये इक्लेयर है, ये डेरी मिल्क है, दैट मीन्स कि ये वाला जो पार्ट है ये तो दोनों के अंदर कॉमन है, दोनों के अंदर कॉमन है, दोनों के अंदर कॉमन है, दैट मीन्स दिस इज करेक्ट. हाँ, अगर यहीं पे अपने पास हो जाता कि सम इक्लेयर्स आर चोकोबार, अगर अपने पास आ जाता कि सम इक्लेयर्स आर चोकोबार, इन दैट केस आप देखो इक्लेयर चोकोबार के बीच में कुछ कॉमन है, नहीं है, तो हम क्या कह देते, दिस इज रॉन्ग.
तो आपने ये देखना है कि जो आपके पास में स्टेटमेंट है उसी के फैक्ट के ऊपर बेस्ड अपना वेन डायग्राम है और उसी में से ही आपको चेक करना है। डन। दूसरा, नो टॉफी इज चोकोबार, कोई भी टॉफी चोकोबार नहीं है। अब ये टॉफी है, ये चोकोबार है, टॉफी चोकोबार, टॉफी यहाँ पे है, चोकोबार यहाँ पे, एंड देयर इज नो डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन दीज टू इज गिवन। इन दैट केस हम क्या कहेंगे, हमें नहीं पता, वी डोंट नो। और जब बात आ जाती है वी डोंट नो, इन दैट केस सारे कंक्लूजन क्या रहते हैं, रॉन्ग रहते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको रॉन्ग कर देंगे। सर आंसर विल बी व्हाट, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो। डन। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, अब देखो वही सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन चल रहा है, बट यहाँ पे अब देखो केस आ गया आपके पास पॉसिबिलिटी का। क्या केस है हमारे पास, पॉसिबिलिटी का। अब देखिए सेम है, सम टॉफी आर एक्लेयर्स, ऑल एक्लेयर्स आर डेरी मिल्क एंड सम डेरी मिल्क आर चोकोबार। ओके, अब देखो उसने क्या कहा, सम चोकोबार बीइंग टॉफी इज ए पॉसिबिलिटी, कह रहा है कि कुछ चोकोबार की टॉफी होने की पॉसिबिलिटी है। अब देखो लास्ट क्वेश्चन के अंदर क्या था, यहां से कंपेयर करेंगे, लास्ट क्वेश्चन में था नो टॉफी इज चोकोबार, टॉफी और चोकोबार के बीच में उसने क्या कहा है, नो कोई भी नहीं है, तो हमने क्या कहा, दिस इज रॉन्ग, हो भी सकती है बिकॉज दिस बोथ आर अवे फ्रॉम ईच अदर। ओके, बट अगर यहीं पे कहता है कि हाँ जी सम टॉफी आर चोकोबार, इन दैट केस अगेन हम यही कहते कि रॉन्ग है। बट यहाँ पे उसने क्या कहा है, यहाँ पे ध्यान से समझेंगे, क्या है, सम चोकोबार बीइंग टॉफी इज ए पॉसिबिलिटी, कह रहे कि चोकोबार की टॉफी होने की पॉसिबिलिटी है। तो जब बात आती है पॉसिबिलिटी की, दैट मीन्स व्हाट, कि जब भी आपके पास में दो वेरिएबल्स आपको दूर दूर नजर आ रहे हैं, इन दैट केस वी कांट से एनीथिंग, हम कुछ भी नहीं कह सकते, दैट मीन्स कि सारी पॉसिबिलिटीज ट्रू है। भाई पॉसिबिलिटी तो हो सकती है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, देयर इज अ पॉसिबिलिटी। तो जब पॉसिबिलिटी का केस है, हम क्या कहेंगे, दिस इज करेक्ट। पॉइंट इज क्लियर। अब उसके बाद कह रहा है नो टॉफी इज डेरी मिल्क, कोई भी टॉफी डेरी मिल्क नहीं है। तो अब देखो यहाँ पे टॉफी कहाँ पे है, दिस इज टॉफी, दिस इज डेरी मिल्क, एंड वी कैन सी हेयर डेरी मिल्क और टॉफी के बीच में ये वाला पार्ट कॉमन है, दैट मीन्स कि सम टॉफीज आर डेरी मिल्क, सम टॉफीज आर डेरी मिल्क। और ये क्या कह रहा है, नो टॉफी इज डेरी मिल्क, कोई भी नहीं है, दैट मीन्स कि दिस इज रॉन्ग। सो आंसर विल बी ओनली फर्स्ट कंक्लूजन विल ट्रू। ओके, फर्स्ट कंक्लूजन यहाँ पे आपके पास में ट्रू रहेगा। डन। नेक्स्ट देखिएगा, हाँ जी, सो इट वाज ऑल फॉर टुडे। आज की क्लास में सिलोजियम पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस किए, आई होप सभी को सारे के सारे क्वेश्चंस समझ आ गए होंगे। फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में आपको कोई डाउट लगता है, इन दैट केस यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू, इन दैट केस अगेन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। ओके, एंड द एस्पिरेंट्स हु वांट टू जॉइन द कंप्लीट कोर्स, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से उसको ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। थैंक यू।